हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान पर वेटरनरी टेस्ट एग्जाम 2020 का जो रिजल्ट वो डिक्लेयर हो चुका था, जो हमारी थर्ड राउंड काउंसलिंग थी। अब देखिए स्टूडेंट को ये जानना है कि सर इसकी जो थर्ड राउंड काउंसलिंग की वो कट ऑफ कितनी रही है, ठीक है ना। सभी कैटेगरी जैसे कि OBC, SC, ST, MBC, EWS वगैरह की कितनी कट ऑफ रही है और किन लोगों का कितने नंबर पर जो है वो कॉलेज, जैसे कि बीकानेर, उदयपुर की जो सीकर कॉलेज, सभी कॉलेज का जो है कितनी कट ऑफ रही है और किन किन का सिलेक्शन हुआ है, और अगर नेक्स्ट काउंसलिंग की कट ऑफ सर कितनी रहेगी, ठीक है ना। इन सभी के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं बीकानेर, सीकर, उदयपुर की, यानी इनमें जो है मेल एंड फीमेल के कितनी कट ऑफ रही है, ठीक है ना, और किस किस जो है किस कॉलेज की जो कट ऑफ है वो हाई रही है और किस कॉलेज की जो कट ऑफ है वो लो रही है, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले जयपुर कॉलेज के बारे में बताता हूँ। जयपुर की जो OBC में जो मेल की है वो कट ऑफ गई है लगभग 549, ठीक है ना। वो भी जो है 549 पे उनको कौन सी सीट मिली है, पेमेंट सीट मिली है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम OBC फीमेल की बात करें तो 541 पर जो है वो फीमेल को पेमेंट सीट मिली है, ठीक है ना। तो जयपुर की ये कट ऑफ रही थी, काफ़ी हाई कट ऑफ है इस बार, ये भी मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट है कि वो ऐसा सोच रहे कि सर हमारा नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया? COVID-19 को देखते हुए कई लोगों ने इस प्रकार भी सोचा होगा कि इस बार कट ऑफ जो है उतनी हाई नहीं रहेगी, लेकिन कट ऑफ भी हाई रही है और जो है जिनके अच्छे मार्क्स थे केवल उन्हीं को कॉलेज मिली है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज बीकानेर के बारे में कि बीकानेर की जो राजवास है उसकी कितनी कट ऑफ रही है, ठीक है ना, और क्या जयपुर के कॉलेज से भी उसकी हाई कट ऑफ रही है या फिर लो रही है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट जो आपने जयपुर की तो देख लिया, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बीकानेर कॉलेज की जो EWS कैटेगरी है उसके, EWS कैटेगरी में मेल जो है उसको 550 पे जो है पेमेंट सीट मिली है, ठीक है ना। वहीं अगर हम देखें EWS कैटेगरी के फीमेल की, यानी फीमेल को कितने नंबर पर जो है पेमेंट सीट मिली, तो वो है 545 नंबर। अब मेरे पास ऐसे कई कमेंट आ रहे हैं, कई कमेंट का मैंने रिप्लाई भी नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है वो भी मैं उसके लिए सॉरी सबसे पहले तो। लेकिन अब अगर देखें मैं आपको बात करूँ कि कई स्टूडेंट ऐसे जिनके 350 नंबर बन रहे OBC से हैं, EWS कैटेगरी से ऐसे कई स्टूडेंट हैं, तो उनको देखिए मैंने रिप्लाई इसने नहीं किया क्योंकि जो है उनके मार्क्स काफ़ी कम है, ठीक है ना, काफ़ी कम थे। अब आप देख सकते हो उनको जो है पेमेंट सीट भी अगर इतने नंबर मिली है तो गवर्नमेंट सीट मिलना कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पर मैंने बीकानेर के कॉलेज के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीकर के कॉलेज के बारे में, ठीक है ना, कि सीकर के कॉलेज की कट ऑफ कितनी रही है। तो अगर हम बीकानेर की और जयपुर की कट ऑफ के बारे में अगर हम वैसे डिफरेंट लें और लेवल लेना, यानी किसकी जो हाई है, तो वैसे बीकानेर की कट ऑफ काफ़ी हाई रही, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं सीकर की कट ऑफ कितनी रही मेल एंड फीमेल की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीकर जो था ना, सीकर की जो OBC मेल की जो कट ऑफ रही है वो 510 रही है, ठीक है ना। पेमेंट सीट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सीट का आप भी अनुमान लगा सकते हो कि कितनी रह सकती है, ठीक है ना। वहीं अगर हम देखें OBC में फीमेल की है वो 505 रही है, यानी फीमेल की जिनके 505 थे उनको जो है अलॉटमेंट थर्ड लेटर जो है वो उनको मिल चुका है, ठीक है ना, पेमेंट सीट मिली है। सीकर की जो है वो बीकानेर की कॉलेज से कट ऑफ कम रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें उदयपुर की जो कॉलेज है, उदयपुर की कॉलेज में जो ST में देखें, ST कैटेगरी में जो मेल है उनको 435 नंबर पर जो है पेमेंट सीट मिल चुका है उदयपुर के कॉलेज में। वहीं अगर हम देखें ST में फीमेल को कितने नंबर पर मिला है, तो 430 पर जो है उदयपुर के कॉलेज में पेमेंट सीट फीमेल को भी मिल चुका है, ठीक है ना। अब देखिए कट ऑफ के बारे में अगर हम कहें कि इस बार हाई क्यों रही, क्या कारण थे कि इस बार इतनी कट ऑफ आ रही, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा भी बोल रहे कि सर इस बार हम कोचिंग नहीं कर पाए, हमने घर पर ही सेल्फ स्टडी की है और सेल्फ स्टडी करने में हमारे उतने नंबर कोचिंग जितने नहीं बन पाए, तो अब हम क्या करें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल भी निराश ना हो, ये थी थर्ड राउंड काउंसलिंग। अभी फोर्थ राउंड एंड फाइव राउंड जो काउंसलिंग वो भी अभी बाकी है, तो उसमें भी जो है आप आवेदन जरूर करें, ठीक है ना, प्रोसेस अभी बाकी है। अगर आपके जो है इसमें जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ कट ऑफ के, इससे थोड़ा यानी 5 से 10 नंबर का जो है डिफरेंट रहेगा, तो ऐसे में आपका नंबर भी आ सकता है अगर आपने अच्छी तैयारी की और आपकी अच्छी रैंक एंड अच्छे मार्क्स है तो, ठीक है ना। अगर वहीं आप देखिए कई स्टूडेंट ऐसे भी कि मुझे जो है कॉन्टेक्ट किया था, उनसे मैंने बातचीत भी की, तो देखिए स्टूडेंट आप बिल्कुल भी निराश ना हो। COVID-19 के दौर में कई स्टूडेंट ने जो कॉलेज कोचिंग नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे मार्क्स से जो है
कॉलेज प्राप्त किए उनको जो है मेरी तरफ से शुभकामना, ठीक है ना। आप भविष्य में जो है इसी प्रकार मेहनत करते रहो, और आपका जो है गवर्नमेंट में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है कॉलेज में, तो आपके जो है 5 ईयर जो है RPUT में बहुत ही अच्छी तरीके से निकलेंगे। और भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी संबंधित, तो आप हमारे चैनल से कमेंट जो बॉक्स है उससे मुझे आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।